सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी मेरे बेटे का रूटीन। अभी वो 6 मंथ का होने ही वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि वो पूरे पूरे दिन क्या करता है, कैसे रहता है। तो बस आज वही शेयर करूँगी आपके साथ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो जी हमारी हो चुकी है गुड मॉर्निंग, और रूहान जब उठता है तो वो इतना भूखा नहीं होता, बस उठ के हमसे खेलने लग जाता है और ऐसे बैठ जाता है अपने पापा के साथ। उसके बाद जब मैं नाश्ता बनाती हूँ तो वो ऐसे मेरे पास वॉकर में आकर खड़ा हो जाता है और मुझे देखता रहता है और बहुत इंजॉय कर रहा है। अभी नया नया उसका वॉकर आया है, वॉकर में बैठना उसने स्टार्ट किया है। यहाँ बन रही है हमारी कॉफ़ी और बस ये मेरे पास ऐसे ही खड़ा रहता है और एंजॉय करता रहता है। ऐसे खेलोगे आप? ऐसे खेलते हो आप? देन जब हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है और रूहान एक बार फीड ले लेता है, तो उसके बाद रूहान का होता है नहाई नहाई टाइम। मैं इसको 2 दिन में एक दफ़ा नहलाती हूँ अब सर्दियों में। पहले मैं डेली नहला रही थी, लेकिन अब ठंड है तो फिर यहाँ पे है भी बहुत ज़्यादा ठंड, तो बहुत इन्जॉय करता है वो अपनी मालिश को, बहुत ज़्यादा हंसता है। और जब उसे बाथरूम में ले जाओ तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, उसे नहाना इतना ज़्यादा पसंद है। तो बस देखिए, और जब कैमरा ऑन हो जाता है तो इसकी निगाहें कैमरे से हटती ही नहीं है। तो बस अब इसकी मालिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर। रुहान जी रेडी? रुहान मेरा बेटा रुहानू। फिर हम उसे ना छत पर लेकर आ जाते हैं थोड़ी धूप में, ताकि उसे धूप भी मिल सके और वो थोड़ा यहाँ पर खेल भी सके। लेकिन आजकल ना सर्दियों में इतनी तेज़ धूप आ ही नहीं रही है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत थी तो इसलिए हम इसको ऊपर ले आए थे। आगे लाओ आगे। और अब ये यहाँ पे इंजॉय कर रहा है, इधर उधर देख रहा है। बेटे बेटू मेरी जान, तो नहाने के बाद रूहान को बस नींद आ रही होती है और वो फीड लेकर जल्दी से सो जाता है। और अब वो नैप लेगा अपनी 2 से 3 घंटे की। इतने में मैं अपने घर के सारे काम निपटाऊंगी। देखिए कितनी आराम से सो रहा है वो। रूहान उठ गए हैं और उठते ही उनको थोड़ा पोयम देखनी होती है अपनी, क्योंकि घर में अकेला रहता है तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। ये कौन खाएगा भाई? ये कौन खाएगा? पहचानता है ये डेरी मेरे को? देखो मुंह में चला। अब सब मुंह में जाने लगा। ये लो ये लो ये लो ये लो। इतनी चाली? क्यों यहाँ से क्यों नहीं आ रही इसे? तो आज हमारी सासू माँ यहाँ पे कुकिंग कर रही है हमारे साथ। क्या बना रही हैं आप? मसाला चिकन बिरयानी। मसाला चिकन बिरयानी। रुहान के बच्चे अप्पो के साथ खेल रहे हैं। कैमरे को देख के बहुत जान आ जाती है, व्लॉगर बनेगा। इसको बांध लिया थोड़ी सी। रुहान तो मूड क्यों खराब है आज?
रही है और इनका सोने का टाइम हो गया है, तो बस मैंने इनको चेंज करवा दिया है। थोड़ी देर ये मेरे साथ खेलेंगे, बातें करेंगे, कितने प्यार से देखेंगे मुझे और फिर बस सो जाएंगे। रात के 12 बज रहे हैं लेकिन हमारे रूहान को नींद नहीं आ रही थी, तो थोड़ी देर मैंने उन्हें झूले में डाल दिया था ताकि वो थोड़ा नींद में हो जाए, और वो सच में नींद में हो गए थे। तो बस यहाँ पे इनके फीडर्स रेडी हैं, पिल्स, दूध का डब्बा, डायपर्स, वाइप्स, सब कुछ है। रुहानू ऐसे बिल्ली आ गई, बिल्ली। तो जी ये थी वीडियो, कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और बस फिर रूहान सो जाता है और हम भी सो जाते हैं, और अब हमारा रूटीन काफ़ी अच्छा हो चुका है। शुरू शुरू में तो रूहान ने हमें पूरी पूरी रात जगाया है 3-4 महीने तक, बट अब वो 12 से 1 के बीच में आराम से सो जाता है, बीच में उठता है फीड लेने थोड़ी थोड़ी, मतलब 2-2, 3-3 घंटे के गैप में, और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट सुबह 12 बजे ही उठता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़।